नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी मुझे आशा है आप स्वस्थ होंगे घर पर होंगे और अच्छे होंगे आपका वेब स्टडी पॉइंट चैनल पर मैं कुमार गौरव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और यहां पर आप रीजनिंग की क्लास ले रहे थे तो रीजनिंग की क्लास में अल्फाबेटिक सीरीज़ का टॉपिक आपका चल रहा था उससे रिलेटेड मैंने ये आपको चार तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे और आज आपका पाँच तरह का क्वेश्चन आपका करना है टोटल आठ टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें और उसमें ही कुछ आपके बट जाते हैं तो पाँचवा टाइप जो है मैंने कल की क्लास में आपको लास्ट में बताया था कि आपके पास चार श्रृंखला तीन श्रृंखला चार श्रृंखला बची है जिसमें तीन मैंने आपको अर्धांश के अकॉर्डिंग बताई थी ठीक है तो आज उसी में से एक श्रृंखला पे हम बात करेंगे ये है यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से बाएं टाइप फर्स्ट दाएं से सातवां, टाइप सेकेंड बाएं से पांचवां अक्षर टाइप थर्ड और बाएं से उन्नीसवा अक्षर टाइप फोर यानी सीरीज़ आपकी ये बनेगी और चार टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। चार टाइप के क्वेश्चन ही इस तरह में आते हैं आपको यही सॉल्व करना है चलिए पहले हम सीरीज़ बना लेते हैं तो अर्धांश के अकॉर्डिंग अगर हम सीरीज़ बनाते हैं अल्फाबेटिक सीरीज़ में हमारे पास होता है ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक ये हमारे पास अल्फाबेटिक सीरीज है वर्णमाला श्रृंखला इसमें क्या बोला है कि प्रथम अर्धांश ये जो हमारा ए से एम तक होता है जिसमें तेरह लेटर होते हैं ये हमारा फर्स्ट या प्रथम अर्धांश होता है और जो हमारा एन से लेके जेड तक होता है ये हमारा द्वितीय अर्धांश होता है ठीक है वो बोल रहे हैं कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए अब इन दोनों को विपरीत क्रम में लिखना है यानी प्रथम अर्धांश ये हो जाएगा आपका एम से लेके ए तक एम से लेके ए तक प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो गया फिर द्वितीय अर्धांश द्वितीय अर्धांश जेड से लेके एन तक ये भी आपका विपरीत क्रम में हो गया है तो करना क्या है आपको कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखेंगे विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम तो आप ए से स्टार्ट हो रहा था एन से स्टार्ट करेंगे ये एन से स्टार्ट हो रहा था आप जेड से स्टार्ट करेंगे तो दोनों अर्धांश को आपने विपरीत क्रम में लिख दिया विपरीत क्रम में लिखने के बाद जो श्रेणी जो श्रृंखला बनती है उसी में ये चार टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने हैं चार टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दाएं से 20वां अक्षर दायाँ आपका इधर होता है और दाएं से जब आप चलेंगे तो बीसवा अक्षर आपको देखना है वो जो बीसवा अक्षर होगा वो इस वाले अर्धांश में होगा यानी जब आप दाएं से चलेंगे तो आपको ये अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और इस अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे यानी अगर ए से लेके एम के को बीच का कोई भी अक्षर आता है या कोई भी नंबर आता है तो आप इस टाइप से उसको सोल्व करेंगे यदि दाएं से आप चलते हैं और n और z के बीच का कोई भी अक्षर आता है या कोई भी नंबर आता है तो आप इस टाइप से सोल्व करेंगे जब आप बाएं से चलेंगे तो पांचवा अक्षर बाएं से चलेंगे तो पांचवा अक्षर एक और तेरह के बीच में ही तो होगा तो जब आप बाएं से चलेंगे तो आप इस वाले टाइप को सोल्व करेंगे और जो एक और तेरह के बीच का होगा जब आप आगे चलेंगे बाएं से उन्नीसवा अक्षर यानी तेरह से ज़्यादा चलेंगे तो आप इस अर्धांश में पहुंच जाएंगे बाएं से जब आप चलेंगे तो इसके बीच का कोई भी अक्षर होगा वो आप इस टाइप से सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं आप देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं हम, एक टाइप के दो क्वेश्चन हम लेंगे ठीक है जिससे कि आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए जो भी आपका डाउट है वो आपको ना रहे ठीक है अब देखते हैं सवाल ये कह रहा है कि दाएं से बीसवा अक्षर दायाँ कहाँ पर है आप इधर से चलेंगे ये दाएं से जब आप चलेंगे तो बीसवा अक्षर कहाँ पर होगा यहाँ पर होगा बीसवा अक्षर यहीं पर तो होगा चलिए ये प्रथम अर्धांश था जिसमें क्या था ए और एम के बीच में तेहरा अक्षर ये द्वितीय अर्धांश था जिसमें एन और जेड के बीच में तेहरा अक्षर यानी तेहरा तो आपके ये हो गए बीस तक जा रहा है ना तेहरा और जो सात आप चलेंगे वो ए से चलेंगे ठीक है तो तेरह तो आप चले कहाँ से एन से लेके जेड तक और सात चले ए से और एम के बीच में तेरह और सात कितने हो गए टोटल बीस तो ये वाला जो क्वेश्चन आएगा ना वो यही कहेगा कि आप दाएं से चलेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप ए और एम के बीच में जाने चाहिए यानी तेरह से ऊपर जाने चाहिए कम नहीं जाने चाहिए या तो चौदह पंद्रह सोलह सत्रह बीस पच्चीस इस तरीके से आप ठीक है तो ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन ये कहता है अब इस टाइप फर्स्ट में राइट right से आपका क्या है बीस राइट right से आपका बीस जा रहा है आप एन से स्टार्ट करते हैं चलना एन से चले तो ये आप पहुंचे कहां तक तेरह प्लस सात तेरह प्लस सात तक पहुंचे बीस और आप देखते हैं कि ए से आप जा रहे हैं सात पे कहां पे जा रहे हैं सात पे जब आप ए से जाते हैं नंबर सात तक ठीक है तो आपका ए बी सी इस तरीके से चलते हैं ना तो सातवें नंबर पे क्या होता है सातवें नंबर पे तो जी होता है ना जब आप ए से चलते हैं ए से जब आप चलना स्टार्ट है करते हैं तो सातवें नंबर पे होता है आपका जी तो देखिए आप ए से स्टार्ट किए चलना और कहाँ पहुंचे सातवें नंबर पे तो सातवें नंबर पर क्या होगा सातवें नंबर पर जी ही तो होगा तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी इसको ध्यान में रखते हुए क्यों क्योंकि ये जो तेहरा नंबर है ये एन से लेके कर जेड तक ये तो आपके गायब हो गए ना आप गायब कहाँ पर हो गए आपकी जो सीरीज़ बनी है उसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ तो हमें नंबर में ध्यान नहीं रखनी है क्योंकि हमारा जो है यहाँ से देखना है से स्टार्ट हो रहा है अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन था आपका ठीक है और इसमें कम नंबर दे दे तो हम क्या करेंगे तब हम यहाँ पे लाई करेंगे तब यहाँ पे जो बी इस अर्धांश में क्वेश्चन आएगा उसको तब यहाँ पे ध्यान में रखते हुए करेंगे लेकिन जो तेरह से ज्यादा वाला आएगा उसमें क्या करना होगा आपको इस लास्ट वाले नंबर पे ही आपका फाइनल आंसर देना होगा तो आपका आंसर हो जाएगा जी इस क्वेश्चन को नोट कीजिए उसके बाद इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ ये हो जाएगा आपका ये फर्स्ट और ये सेकंड दाएं से ये हम ले लेते हैं बाईसवा बाईसवा अक्षर ठीक है दाएं से बाईसवा अक्षर ले लेते हैं इसको रफ कर देता हूं फर्स्ट का सेकंड पार्ट चलिए दाया राइट राइट right. right से आपका बाईस जा रहा है आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं तेरह और ये हो जाएंगे नो ठीक है तो तेरह और नौ बाईस हो गए आपके अब आपको क्या करना है या तो वही मेथड डायरेक्ट लगा दीजिए नौ पे आपका आई होता है फाइनल आंसर आई हो जाएगा या आप यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इस सवाल को देख लीजिए तेरह और नौ आप चलते हैं यानी आप यहाँ से चले दाएं से और आपको कितना जाना है आपको 22 जाना है जब आपको 22 जाना है तो आप यहाँ से चलेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे आप यहाँ तक ही पहुँचेंगे यानी ए और एम के बीच में पहुँचेंगे अब एन से लेके जेड तक तो तेरह नंबर आपके थे ये तो हटा दो अब कितने बचे नौ नंबर यानी ए से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं नौ हो रहे हैं ना तो ए से नो व नंबर क्या होता है आपका आई होता है ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा आई टाइप फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया नोट कर लीजिए सेकेंड पे चलते हैं स्क्रीन शॉट ले लीजिए चलिए आपने ले लिया होगा इसको आगे बढ़ाते हैं सवाल को फर्स्ट तो ये second का first है. ये कह रहा है कि दाएं से सातवां अक्षर यानी राइट से सातवां अक्षर आप चलेंगे एन से एन से सातवा नंबर क्या होगा आप चले यहां से और सातवा नंबर तो यहीं कहीं होगा ना एन और जेड के बीच में आगे तो जाएगा नहीं एन और जेड के बीच में होगा ठीक है अब यहाँ पे जाने के लिए क्या करेंगे अगर हम अल्फाबेटिक सीरीज़ में देखें ये हमारी अल्फाबेटिक सीरीज है और डायरेक्ट चले यहाँ पे हमारा एन हो गया ठीक है एन हो गया एन से ये हमारा सातवां नंबर है क्या है ये यहाँ पे सातवां नंबर है अब इस सातवें नंबर पे आप बताइए इस अल्फाबेटिक सीरीज़ के अकॉर्डिंग उसको अभी रख दीजिए वहीं पे जहाँ पर वो है यहाँ पे आ जाइए ए से लेके एन तक तेरह हो गए और एन से लेके सात तक आपको जाना है तेरह और सात ये हो जाएगा सात तीन दस और ये एक ट्वेंटी और ट्वेंटी पे क्या होता है टी ठीक है क्यों ऐसा किया मैंने तो इसलिए किया क्योंकि आप ए से लेके काउंटिंग एन तक करेंगे तो तेरह ही काउंटिंग होगी ना और एन से काउंटिंग को सात बढ़ा रहे हैं अब मान लीजिए कि ये मेरा एम है ठीक है और एम से मुझे जाना है पाँचवें नंबर पे या ये मेरा बी है और बी से मुझे जाना है दूसरे नंबर पे तो बी से जब मैं दूसरे नंबर पे पहुंचूंगा तो मैं कैसे पहुंचूंगा मैं जानता हूं ये बी का वैल्यू मेरा दो है इसमें दो और प्लस कर दो और दो चार हो जाएगा और चार पे क्या होता है डी होता है ठीक है ना सॉरी ये चार पे क्या होता है डी होता है ठीक है तो बी से जब दूसरे नंबर पे जाएंगे तो क्या पहुंच जाएंगे डी पे पहुंच जाएंगे इसी तरीके से आप अल्फाबेटिक सीरीज़ के किसी भी नंबर से अल्फाबेटिक सीरीज़ के बीच से किसी भी नंबर से आप जाते हैं और एन से जेड पे जा रहे हैं यानी एन से जेड पे जा रहे हैं बी से सी पे जा रहे हैं तो आप में क्या करना है जो पीछे आप मान लीजिए कि बी था तो बी से पहले वाला आप ऐड कर देंगे एन से पहले कितने लेटर हैं तेहरा आप तेरह ऐड कर देंगे तो आपको उतने ही लेटर उसमें ऐड करने हैं जो वैल्यू आपको दी गई है यानी आप हर सवाल में तेहरा प्लस कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा बट समझने वाली बात यह है कि आप एन से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए से लेके एम तक तेरह अक्षर हैं और काउंटिंग आपकी एन से शुरू हो रही है एन से लेके सात तक तो तेरह और सात सात और कितने हो जाएंगे आपके ये बीस हो जाएंगे तो आपका आंसर टी हो जाएगा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं मैं इसको रफ कर देता हूँ आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर दो दाएं से पाँचवा अक्षर बताइए ठीक है अब क्वेश्चन नंबर दो है दाएं से पाँचवा अक्षर अब मान लीजिए आप एन से चले और आप कौन से नंबर पर पहुंचे पांचवें नंबर पर पहुंचे आपको क्या करना है दाया यानी राइट ये हो गया आपका पांच पे फाइनल आंसर निकालने के लिए एन से पहले तेरह लीटर उसके बाद ये पाँच लीटर टोटल हो गए अट्ठारह और अट्ठारह के लिए क्या हो जाएगा आर आंसर आ गया आपका नोट कर लीजिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन भी आपके हो गए है। हैं टाइप थर्ड पे जाते हैं टाइप थर्ड कह रहा है कि बाएं से पांचवा अक्षर बताइए तीसरे का फर्स्ट बाया इधर है और इधर से आप चलेंगे तो पांचवा अक्षर आपका कहां पे हो जाएगा यहां पे हो जाएगा ठीक है अब आपको एम से जाना है ए तक उल्टा जाना है ठीक है और पांचवा अक्षर बताना यानी लेफ्ट से पांचवा सवाल को समझने की ज़रा कोशिश कीजिएगा यदि आप अल्फाबेटिक सीरीज़ में जाते हैं जेड तक और आपको आपसे पूछा जाए कि आप पीछे से पंद्रहवा अक्षर बताइए तो आप क्या करते हैं जब आप पीछे से बताते हैं तो टोटल 26 लेटर हैं और 26 में एक, एक एक्स्ट्रा या एक ऐड कर देते हैं तो 27 हो जाता है और उसमें से 15 माइनस करते हैं तब जाके आपका आंसर आता है ये ही मैंने आपको बताया है सिखाया है अब इस सवाल में क्या करना है आप ए से लेके एम तक जा रहे हैं और पीछे से शुरू कर रहे हैं ए से लेके एम तक जा रहे हैं और पीछे से शुरू कर रहे हैं आप देख रहे हैं ए की वैल्यू वन और एम की वैल्यू तेरह आप एम यानी पीछे से शुरू कर रहे हैं पांच वैल्यू जानी है तो तेरह में आप क्या करेंगे तेरह में एक ज़्यादा करेंगे और पाँच माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा नौ हो जाएगा ठीक है तो पाँच चार नौ और नौ की वैल्यू क्या होती है आई समझ में आ गया होगा मुझे आशा है आपसे ठीक है तो आपको क्या करना है जो एम से वापस जा रहे हैं या जिस लास्ट वाले नंबर से या पीछे से आप जाते हैं तो उसमें एक नंबर ज्यादा करके उसमें से आप माइनस कर देते हैं ये नोट कर लीजिए तीसरे का सेकंड पार्ट देखते हैं बाएं से इस बार आप नो ले लीजिए नौ व अक्षर बताइए बाएं से नौ व अक्सर आप बताएंगे थर्ड का सेकंड पार्ट यानी लेफ्ट से नाइन अब आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं चलना और कौन से नंबर पे जा रहे हैं नंबर नाइन पे अभी मैंने आपको क्या बताया कुछ नहीं चौदह से नौ माइनस कर दो बस इस बात को ध्यान में रखो और सारी चीज़ें छोड़ दो चौदह से आप नौ माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा पाँच नौ पाँच चौदह और पाँच के लिए क्या होता है ई तो आपका आंसर हो गया ई टाइप जो थर्ड है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है अब टाइप फोर की बात करते हैं अब हमें जाना है बाएं से उन्नीस अक्षर अब हमें ए से भी आगे जाना है ये टाइप फोर है फोर का फर्स्ट एम से स्टार्ट करेंगे और उन्नीस कहाँ पे पहुंचेंगे आप शायद यहीं आसपास होगा ठीक है यानी आप जेड को क्रॉस कर जाएंगे तो जेड को जब आप क्रॉस कर जाएंगे ये लेफ्ट से उन्नीसवा नंबर चलिए अब ध्यान दीजिए आप आप कैसे करेंगे इसको सोचिए जरा अभी ट्रिक तो आपको पता ही लग गई है चलिए इसको हम आगे करते हैं एम से लेके ए तक ये हो गए आपके तेरह प्लस अब उन्नीस में से तेरह माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे छः तो छः हो जाएंगे तो ये हो गए आपके तेरह और छः उन्नीस अब आप देखिए जरा एम से लेके ए तक आप चले तो तेरह नंबर चले जेड से जब आप चलेंगे तो कितने नंबर चले जेड से जब आप चलेंगे तो छः नंबर चले जब आप जेड से छः नंबर चल रहे हैं तो आप यहां से आ जाइए ए से लेके जेड तक आप पीछे से चल रहे हैं छः नंबर कहाँ चल रहे हैं पीछे से चल रहे हैं छः नंबर आप जेड से ही तो जा रहे हैं जब आप जेड से जा रहे हैं तो क्या करेंगे जेड तो 26 पे होता है और हमें क्या करना है 27 से 6 को माइनस कर देना है तो कितना हो जाएगा 21। बस इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी है सेम ही सी हो रही है ना ये क्योंकि जेड़ से आप जा रहे हैं लास्ट में छः जेड से छः तो आप देखिए ना आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है आप किस नंबर से वापस जा रहे हैं किस नंबर से आगे पीछे जा रहे हैं बस उसी नंबर को ध्यान में रखना है आप जेड से जा रहे हैं तो जेड होता है ट्वेंटी सिक्स नंबर पर और ट्वेंटी सिक्स से आप छः यानी एन की तरफ जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं उल्टा जा रहे हैं विपरीत जा रहे हैं तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है टोटल छब्बीस नंबर है आप एक ज्यादा करेंगे सत्ताईस लेंगे और सत्ताईस में से छह को माइनस कर देंगे ठीक है तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा वो इक्कीस हो जाएगा और इक्कीस किस को डिनोट करता है वो आपका यू को डिनोट करता है समझ में आ गया होगा सभी को ठीक है अगर नहीं आया तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा मैं इसको रफ कर देता हूँ आंसर यही है इसका बाएं से अब हम इक्कीसवा अक्षर ही ले लेते हैं बाएं से इक्कीसवा अक्षर बताइए चलिए सेकंड बाएं से इक्कीसवा अक्षर दायां उधर से शुरू होता है बायां इधर से शुरू होता है लेफ्ट से ट्वेंटी वन अब जब आप इक्कीसवा अक्षर देखेंगे तो आप यहाँ से जाएंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे आप शायद यहाँ तक पहुँच जाएंगे इक्कीसवा अक्षर यहीं कहीं ही आस पास होगा तेरह आपके एयर रहे आपको क्या करना है इक्कीस में से आप तेरह माइनस कर लीजिए तो कितने हो जाएंगे आपके सात और एक आठ ये हो गया आपके आठ यानी जेड से जब आप चलेंगे तो आप आठ पे पहुंच जाएंगे कितने नंबर पे जाएंगे आठ पे तो आप जेड से विपरीत क्रम में चलेंगे पीछे की तरफ चलेंगे आठ नंबर पे तो अब आपको क्या करना है आपको करना है जेड होता है ट्वेंटी सिक्स पे ट्वेंटी सेवन में से आठ को माइनस कर देना है तो आपके हो जाएंगे ये नौ और एक उन्नीस और उन्नीस जो होता है वो किसको डिनोट करता है एस को तो आपका आंसर हो जाएगा एस ये टाइप फर्स्ट ये टाइप फाइव के क्वेश्चन थे प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में जब लिखा जाता है तो ये चार टाइप बन जाते हैं आप इनको नोट कर लीजिए उसके बाद नंबर सिक्स पे हम चलते हैं जिसमें अर्धांश को फिर आगे पीछे किया जाएगा नोट कीजिए जरा चलिए नंबर सिक्स की जो सीरीज है उस पर हम बात करते हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर फाइव के थे अब इन्हीं क्वेश्चन को नंबर सिक्स में हम लगाएंगे लेकिन टाइप चेंज हो जाएगा आपको ये आंसर अलग अलग आएंगे पहले हम सीरीज पे बात करते हैं यदि केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए प्रथम अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखना है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में नहीं लिखना है जैसे आपके पास ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेंट तक था ये आपका प्रथम अर्धांश और ये आपका द्वितीय अर्धांश इस बार क्या करना है इस बार प्रथम को ही विपरीत क्रम में लिखना है द्वितीय को आप ऐसे के ऐसे ही रख देंगे ये एम से आप लिखेंगे इसको ये जाएगा कहाँ तक है? ए तक प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो गया है द्वितीय अर्धांश को आप ऐसे ही लिख दीजिए बस आपके पास सीरीज बन गई है इस सीरीज से क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं चलिए क्वेश्चन के आंसर देते हैं टाइप फर्स्ट इसमें भी चार टाइप के क्वेश्चन हैं ठीक है और ये चारों टाइप ही लगेंगे इसमें और मैं इसी तरीके से दो एग्जांपल आपको लूंगा और सॉल्व करूंगा करना क्या है आपको टाइप फर्स्ट क्या कहता है आप दाएँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक पहुँच जाते हैं ए और एम के बीच में यानी जो इधर जो अर्धांश है इसके बीच में पहुँच जाते हैं टाइप सेकेंड कहता है कि दाएँ से स्टार्ट करते हैं और इस अर्धांश के बीच में रहते हैं टाइप थर्ड कहता है कि आप लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और आप ये नंबर पाँच और नौ कह रहा है तो इस अर्धांश के बीच में रहते हैं और टाइप फोर कहता है कि आप लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और इस अर्धांश के बीच में पहुंच जाते हैं वहाँ के नंबर को या लेटर को या अक्षर को आपको बताना होता है ठीक है तो टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं दाया यानी राइट और राइट से बीसवा अक्षर राइट किधर है इधर है राइट और राइट से बीसवा अक्षर आप देखेंगे तो आप चलेंगे ये आप चले तेरह तक तो पहुंचे उसके बाद आगे चले यानी यहाँ कहीं आस पास बीसवा नंबर होगा ठीक है ये तो हो गए आपके तेरह ये हो गए आपके सात यानी ए से आप जा रहे हैं कहाँ तक सात तक तेरह और सात बीस हो गए और आप देखेंगे कि जेड से लेके एन तक तो तेरह लेटर थे आपके वो हट गए अब आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं ए से और ए से आप देखते हैं सातवां नंबर और ए से सातवां नंबर आपका क्या होता है वो होता है आपका जी तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जी ये था यहाँ से आप यहाँ पे क्या करेंगे आप कुछ मत कीजिए आप तेरह प्लस सात लिखिए और ये जो सात है ये किसको डिनोट करता है जी को तो आपका आंसर आ जाएगा जी क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया उसके बाद सेकेंड ले लेते हैं दाए से बाईसवा अक्षर जब आप बाईसवा देखेंगे तो ये थोड़ा सा आगे चलेगा मान लीजिए कि यहाँ पे पहुँचा और जब आप 22 पे जाएंगे तो 13 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 22 हो जाए तो ये राइट से है अक्षर आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं या तो 22 में से 13 को माइनस कर लीजिए या 13 और 9 कर लीजिए ठीक है ये हो जाएगा 22 में से 13 को जब आप माइनस करेंगे तो सात और दो नौ तो ये नौ हो जाएगा ठीक है तो आप क्या करेंगे आप अपने सवाल को पहले की तरह लिखेंगे और तेरह प्लस नौ इसको आप लिखेंगे तेरह और नौ आपका बाईस हो गया आप देखते हैं कि जेड से लेके एन तक आप तेरह चले और ए से आप नौ तक चले और नो किसको डिनोट करता है आई को डिनोट करता है ठीक है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा आशा करता हूं कि फर्स्ट टाइम आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है अब टाइप सेकंड के क्वेश्चन हम देखते हैं नोट कर लीजिएगा आप सेकंड का फर्स्ट ये कह रहा है दाएं से सातवां अक्षर ये भी आप रफ कर दीजिए आपको दाएं से चलना है और कहाँ तक जाना है नंबर सात तक जाना है जेड से सातवें नंबर पे आप जानते हैं जेड कौन से नंबर पे होता है जेड होता है ट्वेंटी सिक्स नंबर पे और जब आप किसी नंबर से वापस जाते हैं तो क्या करते हैं ये था राइट से सातवाँ और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स में एक ज़्यादा लेंगे ट्वेंटी सेवन हो जाएगा और ट्वेंटी सेवन से आप सेवन को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी और आपने एक नियम पढ़ा था और मुझे लगता है कि अब ये आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा ये पाँच दस पंद्रह बीस और ये पच्चीस तो ये हमारा बीस जो है वो किस पे आता है टी पे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टी ई जो टी के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा टी ठीक है ये था सेकंड का फर्स्ट टाइप नोट कर लीजिए सेकंड देखते हैं ये हमारा राइट right से पांचवा बताना है अब राइट right से पांचवा बताने के लिए राइट right से पांचवा तो आप अब यहाँ पे आएंगे यानी सत्ताईस में से पाँच माइनस सॉरी सात नहीं पाँच है ठीक है सत्ताईस में से पांच माइनस करेंगे जब आप सत्ताईस में से पांच माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा दो और ये हो जाएगा दो और ये V को दिखाता है ठीक है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा V? सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए हैं नोट कर लीजिए टाइप थर्ड पे चलते हैं यस नंबर तीन फर्स्ट ठीक है बाएं से पांचवा अक्षर अब आप इधर से चलेंगे आप इधर से नहीं जाएंगे इधर का रास्ता आपने पूरा देख लिया है अब ये वाला रास्ता आपको लेना है यहाँ से जाना है और कौन से नंबर पे जाना है नंबर पाँच पे जाना है यानी लेफ्ट से नंबर पाँच पे आप जानते हैं एम कौन से नंबर पर होता है एम होता है तेरह नंबर पर और एम से आप पीछे या पीछे के साथ यानी पीछे जा रहे हैं और विपरीत दिशा में जा रहे हैं विपरीत क्रम में जा रहे हैं तो क्या करेंगे तेरह में आप एक ज़्यादा लेंगे चौदह और उसमें से आप पाँच को माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा नौ ठीक है नौ और पांच चौदह और नौ किसको बताता है आई को बताता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा समझ में आया जैसे पहले किया था बिल्कुल उसी तरीके से क्योंकि प्रथम अर्धांश को चेंज उसमें भी किया था और इसमें भी किया है इस बार द्वितीय अर्धांश को इसमें चेंज नहीं किया है तो इसलिए क्वेश्चन अलग तरीके के बन रहा है आपको क्या ध्यान रखना है एम और जेड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने आप अगर एन से चलना शुरू करते हैं तो आप चौदह से माइनस करेंगे अगर आप जेड से शुरू करते हैं चलना तो सत्ताईस से माइनस करेंगे और यदि आप एन से चलना शुरू करते हैं तो आप ए से लेकर एम यानी तेरह को प्लस करके और एन वाली वैल्यू को तेरह में प्लस करके वैल्यू निकालेंगे और यदि आप ए से चलना शुरू करते हैं तो ये अपनी अल्फाबेटिक सीरीज वर्णमाला श्रृंखला उसके अनुसार आप आंसर दे सकते हैं ठीक है ये तीसरे का फर्स्ट था और तीसरे का सेकेंड भी देख लीजिए बाएँ से नोवा अक्षर यानी लेफ्ट से नोवा अक्षर ठीक है अब क्या करेंगे वो ही अपना चौदह में से नो माइनस कर दो इस बार तो क्या आ जाएगा पांच आ जाएगा और पांच किसको दिखाता है ई को आंसर आ गया तीनों टाइप आपके हो गए हैं टाइप फोर करते हैं नोट कर लीजिए इसको अब आपको कहाँ जाना है अब आपको थोड़ा सा आगे जाना है ठीक है आपने पाँच किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली है जो एम से लेकर ए तक जाती थी अब आपको 19 किलोमीटर दौड़ना है और यहीं से दौड़ना है तो 19 किलोमीटर आपको कहाँ दूसरे गांव तक जाना पड़ेगा या थोड़ा सा आपको ज्यादा जाना पड़ेगा ठीक है तो वहां तक जाने के लिए आप नंबर तीन का ओ सॉरी नंबर चार का फर्स्ट और ये आपका बायां यानी लेफ्ट से उन्नीसवा नंबर चलिए देखिए क्वेश्चन को क्वेश्चन देखिए आप क्या करेंगे आप सबसे पहले नंबर एक करेंगे कि इसको तेहरा तोड़ा और इसको छ तोड़ा तेरह और छः उन्नीस यानी ये एन से जा रहा है छवें नंबर पर ठीक है एन से छवें नंबर पर जा रहा है तो आपको मैंने अभी क्या बताया अगर एन से एन से जाता है तो आप क्या करेंगे आप चौदह से माइनस करेंगे अगर जेड से जाता है तो आप छब्बीस से माइनस ओ सॉरी सत्ताईस से माइनस करेंगे क्योंकि छब्बीस में एक ज़्यादा सत्ताईस से करेंगे ठीक है यदि एन से जाता है यदि एन से जाता है तो ए से लेके एम तक की वैल्यू कितनी होती है तेरह तेहरा लेंगे और प्लस करेंगे जितने भी नंबर तक जाता है उसको प्लस कर देंगे जितने भी नंबर जाता है उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और अगर एम से जाता है तो ये आपकी वर्णमाला श्रृंखला अल्फाबेटिक सीरीज़ हो जाएगी इसमें तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जो नंबर है उसी नंबर पर आप लिख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए एन से जा रहा है जब एन से जा रहा है तो ए से एम तक कितना होता है तेहरा तेहरा में छह जोड़ेंगे उन्नीस यानी आपको इस सवाल में तो कुछ करने की या इस टाइप में कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये एम से लेके ए तक है अगर आप इसको चाहें तो ए से लेके एम तक लिख दें और फिर एन से लेके जेड तक लिखें और यहाँ से जा रहा है कहाँ तक उन्नीस तक तो कोई समस्या थोड़ी है सवाल में एक ही तरह का है ना बस क्या किया है प्रथम अर्धांश को चेंज किया और प्रथम अर्धांश हमारे इस सवाल पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा जब कोई प्रभाव नहीं डालेगा तो हमारा जो 19 होता है वो किसको दिखाता है एस को तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एस ठीक है और एन से जब आप चलते हो तो वही तेरह और छः उन्नीस और उन्नीस दिखाता है एस को तो हमारा आंसर हो जाएगा एस समझ में आ गया है चलिए इक्कीस भी देख लेते हैं इक्कीस इक्कीस का आंसर क्या हो जाएगा आप ऐसे ही बता देंगे अब आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है इक्कीस आपका यू हो जाएगा ठीक है और अगर बात करें 25 की 25 आपका वाई हो जाएगा तो नंबर चार जो है टाइप फोर आपका कंप्लीट हो गया है आप इसको समझ गए होंगे अब हम नंबर सात की बात करते हैं ठीक है तो चलिए नंबर सात स्टार्ट करते हैं ये नंबर सात है यदि केवल द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए अब हमें क्या करना है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है तो नंबर पाँच पे आज की क्लास में क्या गया था प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा गया था फिर नंबर सिक्स में क्या किया हमने हमने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा अब जो हमारा नंबर सात है इसमें हमें द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है ये ए से लेके एम और एन से लेके जेड ये प्रथम अर्धांश सेम रहेगा यानी ए से लेके एम तक बिल्कुल ऐसे ही आपको लेना है और ये द्वितीय अर्धांश इसको विपरीत क्रम में ये जेड से लेके एम तक ये आपके पास श्रृंखला बन गई है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन यही है कुछ मैंने अलग नहीं लिखा है आपको सिर्फ मेथड क्लियर करना है क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है तो मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किए हैं जो अभी तक आपने पाँच छः में सॉल्व किए हैं वही साथ में करने हैं बस आपको ये देखना है कि अब इसमें कौन सी ट्रिक या कौन सा मेथड लगेगा टाइप फर्स्ट का नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ये कह रहा है दाएं से चलना है दाएं से आप कहाँ से चलेंगे यहाँ से राइट से और कितना जाना है बीस आप यहाँ से क्रॉस करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे बीस तक जाएंगे तो राइट से आप बीस तक जा रहे हैं अब बीस तक जाने के लिए देखिए ये आपका थर्टीन और ये आपका सेवन एन से लेके जेड तक आप गए तेरह तक और जेड से जा रहे हैं आप सात और सॉरी जेड नहीं ये एन तक आप जाएंगे ठीक है क्योंकि जेड तक तो आप तेरह पहुंच गए फिर एम से चले आप और एम से लेके आप जा रहे हैं ए तक और सात नंबर आप चल रहे हैं जब आप सात नंबर चल रहे हैं तो आप देखेंगे एम से जा रहे हैं और मैंने अभी आपको क्या बताया इसके लिए एक फार्मूला कि यदि आप एम से जाते हैं तो चौदह से माइनस करेंगे आप जेड से जाते हैं तो सत्ताईस से माइनस करेंगे आप एन से जाते हैं तो तेरह में प्लस करेंगे ठीक है और अगर आप ए से जाते हैं तो ए के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपका अल्फाबेटिक सीरीज़ पे नंबर जहाँ पे जो भी लेटर है वही आपका आंसर आ जाएगा तो इसको तो आप हटा ही दीजिए बस इन तीन को आपको ध्यान में रखना है इन तीन को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम से आप जाएंगे तो ये फोर्टीन माइनस जेड से अगर आप जाते हैं तो ट्वेंटी सेवन माइनस और अगर आप एन से जाते हैं तो थर्टीन प्लस बस आपको ये समझना है ये तीनों टाइप के क्वेश्चन का एक निचोड़ है चलिए आप कहाँ से जा रहे हैं आप एम से जा रहे हैं एम से जा रहे हैं तो आप क्या कर देंगे चौदह में से माइनस कर देंगे सात को ठीक है चौदह में से सात को माइनस कर देंगे क्यों क्योंकि ये जो बीस है ये आपका टूट चुका है तेरह और सात में जे एम से लेकर जेढ़ तक तेरह और एम से लेकर ए तक, तक सात ठीक है चौदह में से सात जाएंगे सात और सात के लिए क्या होता है जी जी सेवन होता है ना तो आपका फर्स्ट का फर्स्ट आंसर हो गया जी सेकंड फर्स्ट का सेकंड नंबर बाईस जब आप बाईस की बात करते हैं तो ये राइट right से बाईस हैं और बाईस को जब आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तेरह प्लस नौ ठीक है तेरह और नौ हो जाएगा तेरह आप चले यहाँ तक और आगे चलेंगे आप कितना नंबर नौ नंबर चलेंगे एम से लेके नौ तक चलेंगे आपको क्या करना है आप एम से जा रहे हैं जब आप एम से जा रहे हैं तो आप क्या कर देंगे चौदह से माइनस कर देंगे किसको ये जो लास्ट वाला तेरह के साथ प्लस वाला नंबर होता है नौ को तो आप जब इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा पाँच और पाँच के लिए क्या होता है ई ये आपका आंसर आ गया ठीक है फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके इस तरीके से होंगे सेकेंड टाइप आप देख लेते हैं नंबर दो का फर्स्ट राइट से सात आप यहां से चले और सात यहां का ही आस होगा ठीक है जब यहां पर होगा तो आपको क्या करना है जब आप एन से स्टार्ट करते हैं तो तेरह प्लस कर देते हैं ठीक है तो आपका जो आंसर हो जाएगा तेरह प्लस सात तेरह और सात कितना होता है बीस और बीस के लिए क्या होता है टी आ गया आंसर नंबर दो नंबर दो के लिए क्या करेंगे आपको जाना है राइट से पाँचवें नंबर पर राइट right से पांचवे नंबर पर जाना है मान लीजिए कि आप यहां पर पहुंचे पांचवे नंबर पर ठीक है अब राइट से पांच पे जाने के लिए आप क्या करेंगे फाइनल तेरह में प्लस कर देंगे पांच तेरह और पांच कितना होता है अट्ठारह और अट्ठारह किसको डिनोट करता है आर को सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके ठीक है नोट कर लीजिए पहले मैंने आपको क्या समझाया पहले मैंने आपको ये जो सीरीज़ है इसके अकॉर्डिंग सवाल को समझाया लास्ट में आपको क्या दे दिया क्योंकि आपको एग्ज़ाम में करना है और आप सीरीज़ को कहाँ बार बार देखेंगे तो एक निचोड़ निकाल के दे दिया कि आप इस क्वेश्चन फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं चलिए नंबर तीन फर्स्ट बाएं से पांचवा अक्षर अभी तक हम दाएं से चल रहे थे अब हमें कहां से चलना है बाएं से बाएं से नंबर पाँच लेफ्ट से पाँच ए से स्टार्ट हो रहा है तो जब ए से स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या बताना है कुछ नहीं डायरेक्ट आंसर बता दीजिए पाँच पे क्या होता है ई होता है आ गया आंसर क्योंकि ए से जो जाता है जिस लेटर की बात कर रहे हैं जो नंबर पे होगा बस वही आंसर हो जाएगा तीसरे का दो तीसरे का दो बाएँ से नौ अक्षर यानी लेफ्ट से नौ और नौ किस पे होता है आई ए गया आंसर कोई समस्या तो नहीं हुई हो होगी ठीक है स्क्रीन शॉट नोट चौबी करना है आप करिए इसके बाद नंबर चार करते हैं बाएं से 19 वाक्षर लेफ्ट से 19 वाक्षर अभी तक हम पांच तक गए थे अब हम यहां से चलेंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे उन्नीस तक ठीक है अब आप इसको देखिए। ये यह यहां से यहां तक तेरह में टूटा और ये कितने में टूट जाएगा छह में तेरह और छीस और ये छह जो जा रहा है कहां से जा रहा है जेड से यानी जो आपका नंबर छः है वो जेड से जा रहा है और जो भी नंबर आपका जेड से जाता है उसमें क्या करते हैं ट्वेंटी सेवन से माइनस करते हैं तो ट्वेंटी सेवन से माइनस कर देंगे किसको 6 को सिक्स को क्यों क्योंकि ये जो उन्नीस है ये तेरह प्लस छः में टूटा और ये जेड से ही तो जा रहा है छः तो ये सत्ताईस में से छः माइनस करेंगे कितना हो जाएगा इक्कीस और इक्कीस के लिए क्या हो जाएगा आपका यू ये आपका आंसर हो गया ठीक है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं ये लेफ्ट से आपका जा रहा है ट्वेंटी वन ठीक है लेफ्ट से ट्वेंटी वन जा रहा है तो ये थर्टीन हो गया और ये आठ थोड़ा सा आगे जाएगा ट्वेंटी वन और ये आठ जेड से आठ तक जा रहा है तो आप क्या करेंगे आप ट्वेंटी सेवन से माइनस कर देंगे आठ को तो आपका कितना हो जाएगा उन्नीस और उन्नीस के लिए क्या होता है आपका एस आंसर आपका आ गया सारे सवाल मैंने करा दिए हैं नंबर सात से रिलेटेड लास्ट बचता है आपके पास सीरीज़ एल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़ ठीक है ना जिसमें एल्फा भी आता है न्यूमेरिकल भी आता है और सिंबल्स भी आते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए आगे करते हैं चलिए नंबर आठ पे आते हैं नंबर आठ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ ठीक है ना जिसके अंदर अल्फा भी होगा न्यूमेरिक भी हो जाएगा और सिंबल्स भी आ जाएगा तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इसके अंदर नंबर लेटर और सिंबल ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है नंबर जैसे आपका वन टू थ्री ये डिजिट वाले हो जाते हैं लेटर जैसे आपका ए बी सी ये हो जाते हैं और सिम्बल्स में आपका जैसे आपका एट द रेट आ जाता है हैज़ आ जाता है और आपका ये सी आ जाता है और आपका परसेंटेज आ जाता है इस तरीके के सिंबल्स आ जाते हैं ठीक है तो इन सभी चीज़ों से मिल करके आपकी जो सीरीज़ बनती है उसको एल्फन उमेर सीरीज़ बोलते हैं और अब आपको जो क्वेश्चन में देगा वो ये वाली सीरीज़ देगा ये सवाल में आपको गिवन रहेगी ठीक है और इससे रिलेटेड कुछ ये सवाल पूछ सकता है और इनको ही आपको सॉल्व करना है ये लास्ट सीरीज़ है और लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का और इस पूरे चैप्टर का ठीक है तो सबसे पहले तो हमें इस सीरीज़ को देखना होगा इस सीरीज़ में कितने नंबर हैं कितने लेटर हैं और कितने सिंबल्स हैं और इस सीरीज़ में टोटल कितने ही हमारे नंबर्स हैं तो देखते हैं ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस टोटल पच्चीस हैं पच्चीस हैं तो आप इसको पाँच पाँच में आप डिवाइड कर लीजिए एक दो तीन चार पाँच ये पाँच पे हो गया यहाँ पे छः सात आठ नौ दस ये दस पे हो गया ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस ठीक है ये पच्चीस पे टी हो जाएगा सभी को हमने पाँच पाँच में डिवाइड कर लिया अब हमारे लिए ईजी हो जाएगा टोटल हमारी जो ये सीरीज़ है इसमें पच्चीस लेटर मान सकते हैं अब अब मान लीजिए कि ये नई अल्फाबेटिक सीरीज़ है और इसमें टोटल पच्चीस लेटर हैं ठीक है तो ट्वेंटी फाइव नंबर्स हैं इसमें अब हमें क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करना है क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि बाएँ से लेफ्ट से सत्रह और बाए से लेफ्ट से छः पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने सबसे पहले लगाया था अल्फाबेटिक सीरीज़ में उसमें आपने क्या लगाया था कि अगर दोनों सेम हैं तो आप क्या करते हैं माइनस कर देते हैं सत्रह में से छः आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ग्यारह अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक सीरीज़ इसका आंसर ग्यारह के अनुसार के होना चाहिए अगर अल्फाबेटिक सीरीज़ होती परंतु लेकिन आपके पास क्या है आपके पास ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ में नंबर 11 पे देखिए कौन सा नंबर है ये पाँच और ये दस और 11 पे क्या है आपका जे तो आंसर कितना हो जाएगा जे ठीक है इस तरीके से आपको इस सीरीज से ही आंसर निकालना है अलग से अल्फाबेटिक सीरीज में नहीं जाना है उसके बाद नंबर दो पे देखते हैं बाएं से तीन वे और दाएं से तीन वे के ठीक बीचवा ठीक बीचवा आपसे पूछ रहा है और बीच के लिए क्या बताया था आपको एवरेज वाला फॉर्मूला ये लेफ्ट से तीन और ये राइट से तीन लेकिन एवरेज वाला फार्मूला तब लगता है जब दोनों एक ही फॉर्म में हो लेफ़्ट से लेफ्ट हो या राइट right से राइट right हो तो आपको क्या करना होता है लेफ़्ट वाले को तो चेंज आपको नहीं करना है आप राइट right वाले को चेंज कर लीजिए और जब आप राइट right वाले को चेंज करेंगे तो देखते हैं कि जब आप राइट right से स्टार्ट होते हैं तो इसमें टोटल कितने लेटर हैं टोटल हैं ट्वेंटी फ़ाइव ट्वेंटी फाइव हैं ट्वेंटी फाइव में एक ज़्यादा करेंगे तो ये ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा और ट्वेंटी सिक्स से आप थ्री को माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा ट्वेंटी थ्री यानी लेफ्ट से अब आपके पास नया ट्वेंटी थ्री और ये थ्री यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगा देंगे जब आप एवरेज का फार्मूला लगाएंगे थ्री प्लस ट्वेंटी थ्री अपॉन टू और ये हो जाएगा आपके पास ट्वेंटी सिक्स अपॉन टू यानी थर्टीन ये तेरह आपके पास हो जाएगा अब तेरहवा नंबर देखिए पाँच दस ग्यारह बारह तेरह तो आपका आंसर हो जाएगा यू ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया ठीक है आपको कुछ नहीं करना जो राइट से स्टार्ट होते हैं आप इसमें नंबर काउंट करेंगे कितने नंबर हैं उससे एक ज्यादा करके माइनस कर देंगे दोनों लेफ्ट में हो जाएंगे एवरेज निकाल देंगे और वो जो नंबर आएगा वो इसमें से निकाल के आंसर में डाल देंगे ये आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं नोट कर लीजिए स्क्रीन शॉट लेना चाहें लास्ट क्वेश्चन करते हैं चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं क्वेश्चन नंबर तीन ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक हो ठीक पहले एक अक्षर हो और ठीक बाद में एक प्रतीक हो ऐसी संख्याएं आपको देखनी है संख्याओं के बारे में आप जानते हैं जो आपके पास ये नंबर हैं ये क्या है ये आपके पास संख्याएं हैं ठीक है अक्षर की बात करें ये जो लेटर है ये आपके पास अक्षर है और प्रतीक की बात करें तो ये जो सिंबल है आपका ये आपका प्रतीक है ठीक है आपको क्या देखना है आपको देखना है कि संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले तो बीच में संख्या होनी चाहिए उसके पहले अक्षर और उसके बाद में प्रतीक संख्या देखिए पहले तीन संख्या है इसके पहले अक्षर है ये बी अक्षर है और प्रतीक ये अक्षर है ठीक है उसके बाद छः छः में अगर चलते हैं तो ई हमारा क्या है अक्षर है और परसेंटेज हमारा प्रतीक है ये हो गया उसके बाद चार पे चलते हैं चार से पहले जे हमारा अक्षर है और यू यू भी हमारा अक्षर है ये प्रतीक नहीं है हटा देंगे इसको दो पे चलते हैं दो से पहले अक्षर है और दो के बाद प्रतीक हैं एक से पहले चलते हैं एक के पहले प्रतीक है और बाद में क्या है अक्षर है ये हमारा मान्य नहीं होगा क्योंकि पहले प्रतीक आ गया हमें तो क्या चाहिए बाद में प्रतीक चाहिए ना सात पे चलते हैं सात पे पहले अक्षर है और बाद में भी अक्षर है आठ पे चलते हैं पहले अक्षर और बाद में प्रतीक ये हो जाएगा ठीक तो है तो कुल कितनी संख्याएँ हैं आपको क्या बताना है आपको बतानी हैं संख्याएँ और अब संख्याएँ गिन लीजिए एक दो तीन और चार तो टोटल कितनी संख्याएँ हो गई चार तो आपका आंसर हो जाएगा चार समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को तो आपके लिए आज के इतना ही करते हैं ये अल्फाबेटिक सीरीज़ आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो इसको देखते हुए अब हम कल नई क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें नया टॉपिक हमारा नया चैप्टर होगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं आज मैंने जो आपको कराया वो समझ में आ गया होगा इसमें टोटल आठ सीरीज थी आठ सीरीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं तो आज के लिए इतना रहने देते हैं तो हमारा जो वेब स्टडी पॉइंट चैनल है आप जरा इस पर ध्यान दीजिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए आज के लिए इतना ही नमस्कार